दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी का दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को मुलतवी करना शहीदों की तवहीन है। इन्होंने आज कहा कि वो शिकस्त के खौफ से दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी कर रही है। कल वो रियासत और मुल्क के इंतखाबात को भी मुलतवी करेगी। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देंगे इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ये अपील है, हार जीत तो लगी रहती है, आप आज जीत रहे हो इस राज्य में, आप जीतते हो उस राज्य में, दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है उधर कोई जीतता है, हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं,